शासन की मंशा अनुरूप 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, साथ ही थर्माकोल से निर्मित सामग्री के वितरण पर रोक लगा दी गई, जिसमें व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जबकि मंडलेश्वर में 10 किलो पॉलीथीन जब्त करके व्यापारियों को प्लास्टिक और थर्माकोल निर्मित उत्पादों से दरकिनार रहने की बात समझाई गई। वहीं प्रशासनिक महकमे में व्यापारियों को समझाइश देकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान नगरपालिका CMO घनश्याम मचार ने बताया कि व्यापारियों को 7 दिन का समय देकर आगामी समय में दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भारत शासन निर्देशानुसार कल हमने 100 माइक्रोन से कम पॉलीथीन जब्त की एवं दुकानदारों, व्यापारियों एवं आमजन को इसके प्रति समझाइश दी कि 100 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन को यूज़ ना करें, और यूज़ करते पाए जाने पर हमने पॉलीथीन की कार्रवाई करी। अभी 7 दिन तक हम लोग इनको समझाइश देंगे, फिर इसके बाद में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने डिस्पोजल थर्माकोल के धोनिए इनको जब भारी मात्रा में जब्त किया तो विक्रेताओं के यहाँ पर भी हमने छापे मारे। कल चूँकि मंडलेश्वर में हाट बाज़ार था, तो जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी हैं उनको भी हमने समझाई थी, और उनके पास में जो पॉलीथीन थी उनको जब्त किया गया। कल हमने कुल 10 किलो 700 ग्राम पॉलीथीन जब्त की। सर, पानी की बाटलें भी आई होंगी? नहीं, पानी की बॉटलें उसमें शामिल नहीं है, वो 100 माइक्रोन से ज़्यादा की होती हैं। उसमें जो दूध डेयरी पे यूज़ होने वाली पॉलीथीन है जिसमें दूध दिया जाता है वो भी प्रतिबंधित है, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसमें आमतौर पर फल किराना दुकानों पे यूज़ की जाती है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।